हेलो माय डियर पैशनेट वेलकम बैक टू आईआईटी नीट मैं हूं डॉक्टर भारद्वाज आपकी बायोलॉजी और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूडेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं और हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है प्रीवियस सेशन में प्रोटेस्टा के जनरल फीचर्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था और अब बारी है बचे हुए बाकी ग्रुप्स को डिस्कस करने की तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बिना देरी किए लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता

नीट का कोर्स मॉड्यूल इंक्लूड्स फर्स्ट थिंग दैट इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस यानी कि हर चैप्टर के लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्या मतलब हर टॉपिक को हम सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और फिर हम नोट डाउन करते हैं कि हमें उस चीज में क्या क्या पढ़ना है फॉलोड बाई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है वहां से डाउनलोड करना होता है उसे सॉल्व करना होता है हर बार कोई ना कोई कोई ना कोई स्टूडेंट ये बात जरूर पूछते हैं तो ये बात मैं हर सेशन के शुरुआत में बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान से बस सुनना है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है थोड़ा सा कंसंट्रेशन से वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करोगे आसानी से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसे सॉल्व करिए बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न थ्रू दीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस और उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है मान लो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा कोई बात नहीं नरल दैट इज वेरी नॉर्मल अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वंस यू बिल्डअप दी स्ट्रेटेजी प्लान यू मेक आउट दी पैटर्न हाउ टू सोल्व द्वेश्चन हाउ टू अपलाई और एक्सप्लेनेशन जो भी आपने पढ़ा है तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम लगता है बट दैट इज परफेक्टली फाइंड प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट तो आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो

किस ईयर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर आई ब्रिंग दैट हिस्ट्री इन पर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के साइंटिस्ट की सारी डिटेल्स मिल जाती है तो यू कैन गो थ्रू दैट ठीक उस चीज को आप याद कर सकते हैं कौन साइंटिस्ट थे क्या उनकी थ्योरी थी कौन सी उनकी बुक थी क्या उनका डिस्क्रिप्शन uh, था उस पर्टिकुलर चैप्टर में और किस ईयर में था फॉलोड बाई प्रीवियस ईयर वीडियोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज जहां पर उस चैप्टर में से कौन कौन से कंसेप्ट पूछे गए हैं वो हमें पता चल जाता है सो दैट इफ द सेम कंसेम ऑफ क्वेश्चन टू सोल्व दैट कमिंग नेक्स्ट इज डाउट सॉल्विंग सेशन आप डाउट मुझे सेंड करेंगे फिर uh, आपको क्या करना है कनेक्टेड रहना है टे कनेक्टेड यू नीड टू बी देर किसी विदिन डाउट सेशन में आपका भेजा हुआ क्वेश्चन डिस्प्ले करके मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड गाइडेंस अबाउट पेपर कैसे पेपर देना है टेंशन बहुत हो रही है एंजाइटी होने लगती है डीमोरलाइज होने लगते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है टेंशन आ जाती है खाना नहीं खाते हैं टेंशन में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा गोल से भटक रहे हैं कि अरे यार, यार नहीं हो पाएगा शायद नीट ऐसा कुछ नहीं है वी आर वी आर देर टू गाइड यू वी आर देर टू मेक यू आउट आपको उसमें से कैसे निकाल के लाना है वी आर एप टू डू दैट ओके तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है फॉलोड बाईन वन शॉर्ट रिविजन हर चैप्टर का रिविजन करना बहुत जरूरी है एंड सी वायल इज एक की फैक्टर रिविजन ही होता है जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हो उतना ज्यादा आप ग्रास्प करते उतना ज्यादा आपकी मेमोरी में स्टोर होता जाता है द डिटेल ऑफ दॉपिक द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर द डिटेल्स ऑफ दाम द डिटेल ऑफ द फ्लो चार्ट हर चीज आपको सीक्वेंस में याद होने लगती है

So, ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है यूग्लिनोइड तो जब भी मैं यूग्लिनॉइड के बारे में बात करती हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए यूग्लिनॉइड का डायग्राम, ठीक है सो लेटे सी व्हाट इज यूग्लिनोइड गोइंग टू डू यूग्लिनोइड यूग्लिनोइड जो होता है एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसको ऐसा माना जाता है कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल कुछ साइंटिस्ट को ये प्लांट्स जैसा लगता था कुछ साइंटिस्ट को ये एनिमल जैसा लगता था मैम कैसे लगता था क्यों लगता था दिखता था कि प्लांट जैसा मैं डायग्राम के साथ आपको सारी चीजें बताती हूं लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो अपने दिमाग में पहली लाइन जो यूग्लिनॉइड के बारे में बिठानी है वो ये है दैट इट वॉज कंसिडर्ड टू बी दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सो बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है तो वो प्लांट का फीचर और इसके पास सेल वॉल नहीं होती सेल वॉल अगर होती तो प्लांट होता अगर सेल वॉल नहीं है तो कौन है सेल वॉल नहीं है तो या है। सेल वॉल की बजाय इसके पास प्रोटीन की लेयर है तो ये दो फीचर्स ऐसे थे जो दोनों एक एक किंगडम से उठाए गए हैं प्लांटे और एनिमेलिया इसीलिए साइंटिस्ट को लगता था कि ये प्लांटे और एनिमेलिया का कनेक्टिंग लिंक है कुछ साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट को देख करके इसे कौन से ग्रुप में रख दिया प्लांटे में और कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा नहीं नए नहीं, नहीं क्लोरोप्लास्ट को तो हम इग्नोर कर सकते हैं पर सेलवॉल इसके पास प्रेजेंट नहीं है विच इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम कंसिडर्ड एज एनिमल तो हम इसको एनिमल में रखेंगे लेटर ऑन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दर्सन एंड टू बी प्लेस इन अनदर किंगडम सेट किंग कहा तुम भी गलत तुम भी गलत इसको मैंने प्रोटेस्टा में रखना है तो उन्होंने प्रोटेस्टा में इसको रख दिया ठीक है अब इतनी एक बात क्या याद हो गई ना कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी था प्रोटीन भी था और सेल uh, वॉल भी थी सेल वॉल नहीं थी तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर दिख रहे थे तो पहले इसको दोनों दोनों ग्रुप में रख दिया था बाद में इसे उठा के प्रोटेस्टा में रख दिया गया कंप्लीट ओके नाउ लेट लेटेज गो ऑन विद द डायग्राम व्हेन वी सी द डायग्राम ठीक है ध्यान से देखना जैसे मैं डायग्राम बना रही हूं वैसे आपको डायग्राम बनाना है व्हेन वी गो ऑन विद द डायग्राम एक ऐसा बनाना एक ऐसा बनाना एक ऐसा बनाना ठीक है कोई दिक्कत है इसमें नहीं है बना लोगे अभी बना लो क्या दिक्कत है मेरे साथ बना लो कभी भी पता है डायग्राम अपने टीचर के साथ ही बनाना चाहिए उससे क्या होता है ना कि जैसा जैसा वो बना रहे हैं देखो वो ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं इजीएस्ट फॉर्म क्या है डायग्राम को बनाने का तो फायदा क्यों नहीं उठाते हो बनाओ ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके पास अपना खुद का फ्लैजिला होता है पर फ्लैजिला दो होते हैं मूव करने के लिए हेल्प करने वाले फ्लैजिला दो होते हैं एक बड़ा फ्लैजिला होता है एक छोटा फ्लैजिला होता है और फिर वो मूव करने में हेल्प करता है ठीक है सो द फ्लैजिला इज दिस अनदर फ्लैजिला इज दिस एक छोटा फ्लैजिला एक बड़ा फ्लैजिला उसके बाद बाहर एक लेयर है बाहर एक लेयर है ऐसे देर इज लेयर आउटसाइड ऐसे एक लेयर बना लेना स्क्रीनशॉट लेने बस से काम नहीं चलेगा डायग्राम तो सबको अपना बनाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है वन मिनट उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट ऐसे फैला हुआ है क्लोरोप्लास्ट ठीक है उसके बाद इसके पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऐसे ठीक है ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ न्यूक्लियस बना लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है ठीक है मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा व्हाई बिकॉज वी आर नाउ स्टडी प्रोटेस्टा व्हिच हैज सेल टाइप कौन सा वाला यूकेरियोटिक सेल, वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसके पास एक नया फीचर देखने को मिलता है यहां पर ठीक है यहां पर एक नया फीचर देखने को मिलता है इस तरीके से प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या कहते हैं पता है उसको हम कहते हैं आइसपॉट में इसे थोड़ी देर बाद माफ करूंगी ठीक है उसे इसे, उसे कहते हैं आइसपॉट उसके बाद एक और फीचर देखने को मिलता है और वो फीचर क्या है तो वो फीचर है वैक्यूल वो फीचर है वैक्यूल ठीक है ये वैक्यूल है वैक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए खाना होना चाहिए ये बन गया खाना ठीक है क्लियर अब चलो माक कर लेते हैं जितनी चीजें अभी तक देखी हैं उसको मार्क कर लेते हैं ठीक है पहला तो ये पहला तो फ्लैजिला एक फ्लैजिला ये फिर आई स्पॉट फिर प्रोटीन की लेयर फिर वैक्यूल फिर न्यूक्लियस फिर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट ठीक है इतना क्लियर हो गया अभी देखो मार्क करिए सी दीज आर ठीक ये क्या है आई स्पॉट है मतलब कि इसके पास अलग से एक स्ट्रक्चर है जो फोटो रिसेप्टर की तरह काम करेगा और आई स्पॉट माना जाएगा फॉलोड बाय दिस इज वैक्यूल फूड स्टोरेज का काम करेगा उसके बाद प्रोटीन की एक लेयर है और ये प्रोटीन की जो लेयर है वो क्या कहलाती है पेलिकल पेलिकल कहलाती है पेलिकल कहलाती है ठीक है इसके बाद यहां पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट और ये हमारा न्यूक्लियस इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बना लोगे सबसे बन जाएगा बन गया होगा प्रॉबेबली अभी तक मेरे साथ साथ ठीक है अब कुछ फीचर्स देखते हैं एक्चुअली अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये हमें कहां देखने को मिलता है अकरेंस इसका होता है फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है ठीक उसके बाद ये जो है इसको मीजो कैरियोटिक सेल बोला जाता है मीजो कैरियोटिक सेल कहा जाता है मीजो कैरियोटिक सेल का मतलब क्या है ठीक है मीजो का मतलब होता है मीजो का मतलब होता है इन बिटवीन इन बिटवीन कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन किसके बीच का कैरियोन है इट इज दैरियॉन बिटवीन प्रो कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल ऐसा माना जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा प्रोकैरियोट जैसा भी है थोड़ा सा यूकैरियोट जैसा भी है ऐसा माना जाता है ठीक है इसके बाद जैसे ये मीजियोकैरियोटिक सेल है उसी तरह मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है मिक्सो Mixo... ट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है मिक्सो में मिक्स है कुछ तो मिक्स है क्या मिक्स है ट्रॉपिक मिक्स है कौन सा मिक्स है ट्रॉपिक ऑटोट्रॉफिक और, और हेट्रोट्रॉफिक तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी शो करे और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करे दैट इज कॉल्ड एज मिगजिक न्यूट्रिशन अगर आपको याद आ गया है तो मैंने प्रीवियस सेशन में जहां पर यह बताया था कि हमें डेस्पेसिटो से नाम याद रखने हैं डोमेन्स के किस के किसके लिए प्रोटेस्टा, के लिए किंगडम वहां पर मैंने आपको बताया था शुरू के दो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे थे युगली मिग्जोट्रॉफिक कर रहा था और इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रोटोजोवन और स्लाइम मोल्ड क्या कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सॉरी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ठीक है तो मिक्सोट्रोफिक करने वाला ये अकेला है और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रीशन का मतलब क्या है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रीशन का मतलब है कि ये ऑटोट्रोफिक भी रहेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन भी शो करेगा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन भी शो करेगा ठीक है अपना खाना खुद बना रहा है बना रहा है बना रहा है प्रॉब्लम हो गई लाइट नहीं मिली तो उस केस में दूसरा दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा खाने के लिए होलोजोइक और होलोफाइटिक बोथ सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन अब इसको होलोफाइटिक होलो फाइटिक एज वेल एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद इतना हो गया इसको लिख लीजिए लिख लिया आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए अपन ने देखा कि दो फ्लैजिलास थे है ना हमने देखा कि दो फ्लैजिलास प्रेजेंट थे सो यूग्लीना या मेंबर्स ऑफ यूग्लीना कंटेन टू फ्लैजलाज दो फ्लैजुलाज होते हैं एक फ्लाजुला लॉन्ग होता है एक फ्लाजुला लॉन्ग होता है वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट फ्लाजुला एक एक बड़ा है फ्लाजुला और एक छोटा सा फ्लाजिला और फ्लाजुला क्या काम करता है फ्लाजुला मूव करने में मदद करता है फ्लैज मूव करने में लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करेगा ठीक है इसके बाद इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में फूड वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर रहता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं दे लैक देक सेलवॉल इंस्टेड इंस्टेड प्रोटीनेशियस प्रोटीन की बनी हुई प्रोटीनेशियस लेयर इज प्रेजेंट और यह प्रोटीनेशियस लेयर जो है वो क्या कहलाती है प्रोटीनेशियस लेयर कहलाती है पेलिकल मिकल ठीक है ये एक्सक्लूसिव फीचर याद रखना है कि सेल वॉल इसके पास एबसेंट है ठीक है अपना खाना खुद बनाता है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ठीक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया हैबिटेट हो गया बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है हाउ डज इट रिप्रोड्यूस हाउ डज इट रिप्रोड्यूसिस रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें होता है कौन सा वाला रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन किस तरीके से होगा बाइनरी फिजन ऐसे होगा कि ये एक यूग्लिनॉइड था ये एक यूग्लिनॉइड था ये इसका फ्लैजिला था ये न्यूक्लियस था ये इसका क्लोरोफिल था ठीक तो ये डिवाइड कैसे होगा आपको पता है डिवाइड ये ऐसे होगा ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन जो है आधा पोर्शन इस तरफ एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा आधा इस तरफ एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा सो अगेन न्यू बार बार देखो मैं डायग्राम कैसे बना रही हूं इसका अगेन अ न्यू अगेन अ न्यू यूगलीना विल बी फॉर्म्ड हेयर एंड वन न्यू न्यू यूगलीना बार डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा ठीक है तो ये दो यूगली बन जाएंगे <laughs> ये इनका न्यूक्लियस बना दिया कोई दिक्कत इतने में तो ये हमारा हो गया इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक अब क्या बचा की की प्रोटीन की लेयर हो गई फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कर रहा है 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 सेल वॉल नहीं ना वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने अलग से लिखवाया है क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके पास ये मैंने प्रीवियस में बता दिया है क्या हाँ क्लोरोफिल वाला नहीं बताया है। तो देखो ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ना ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये मैंने क्लोरोफिल ही दर्शाया है इसका ये क्या है क्लोरोफिल ही है ठीक है न्यूक्लियस अलग से दिख रहा है न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोइड अलग से है ये न्यूक्लियोइड भी है दिस इज न्यूक्लियोइड ठीक है कंप्लीट ओके इसके बाद इसके पास मीजो मीजो कैरोटिक सेल भी अलग से दिख जाएगा रियोटिक सेल भी मीजियो कैरियोटिक सेल मैंने क्या बताया था क्या होता है सेल मैंने बताया था वो सेल जो इट इज बिटवीन सेल ऑफ दूकेरियोट मीजो कैरियोटिक सेल मीजो कैरियोटिक सेल यहां पर बता चुकी हूं कि मीजो कैरियोटिक सेल क्या होता है ठीक माउथ यहीं से आई स्पॉट हो गया आई स्पॉट के बाद फोटो रिसेप्टर अलग से स्ट्रक्चर होता है कौन सा फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर अलग से होता है ठीक क्लियर इतना क्लियर हो गया अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है यूग्लिनोइड कंटेन क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है इनके पास कौन सा क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल ए एंड सी क्लोरोफिल ए होता है क्लोरोफिल सी होता है क्लोरोफिल होगा तभी तो ये क्या करेंगे तभी तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जब जरूरत नहीं है मतलब मान लो कि इसको सनलाइट नहीं मिल रही फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा मर थोड़ी जाएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा खाने की व्यवस्था करेगा तो कर लेता अपनी व्यवस्था खाने की दूसरे से खाना ले लेता है तो ये सारे फीचर्स हैं आपने होपफुली इसको लिख लिया होगा उम्मीद करती हूं कि इसको भी लिख लिया होगा विद डायग्राम डन ओके नाउ वन थिंग मोर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डज युगलीना लुक्स लाइक अ प्लांट कैसे हम कह सकते हैं यूगलीना में प्लांट के फीचर हैं कैसे हम कह सकते हैं युगलीना में एनिमल के फीचर हैं तो अगर मैं बोलूं कि यूगलीना के पास यूगलीना के पास प्लांट लाइक -like फीचर कौन सा है और एनिमल लाइक फीचर कौन सा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने शुरुआती में ही बता दिया था कि कौन सा है प्लांट लाइक -like और एनिमल लाइक -like? ठीक है मैंने शुरुआत में ही बता दिया था बता दो प्लांट लाइक फीचर है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एक चीज दूसरी चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो है अच्छा एक बात बताओ ध्यान से कि जब हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था प्लांट्स में और एनिमल्स में तो हमने ये भी तो बोला था कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना अगर खुद बना रहा है अगर वो ऑटोट्रॉफ है तो वो प्लांट है और अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा तो वो हेट्रोट्रॉफ है तो वह एनिमल है तो ये अपना खाना खुद भी तो बना रहा है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म कर रहा है होलोफाइटिक ठीक है यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं ना ऑटोट्रॉफ है तो ये भी तो प्लांट का फीचर है सिमिलरली व्हाट अबाउट एनिमल लाइक फीचर एनिमल लाइक फीचर ये है कि इट लैक्स सेल वॉल इसके पास सेल वॉल नहीं है बल्कि प्रेजेंट है प्रोटीनेशियस लेयर जो प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट है विच इज अगेन अ फीचर ऑफ एन एनिमल राइट इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर ये यह खुद बना रहे थे यहां पर ये यह क्या कर रहे हैं दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है Holozoic. जब पहली बार मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे तो होलोजोइक में पढ़ा था एनिमल का फीचर है होलोजोइक यानी कि हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफ है दैट्स इट खत्म कहानी युगलीना में इतना पढ़ना है बस ठीक है इसको लिख लो कि यूग्लिना के पास यूग्लिना के पास प्लांट लाइक फीचर कौन से हैं एनिमल लाइक फीचर कौन से हैं डिफरेंसिएशन फॉर्म में अगर टेबल बना लोगे ना डिफरेंसिएशन फॉर्म में अगर टेबल बना लोगे तो ज्यादा जल्दी याद कर पाओगे ज्यादा जल्दी याद कर पाओगे ठीक है डन लिखो इसको डन ओके नाउ फूड बन गया खाना खा लिया देखो यूग्लीना में क्लोरोफिल प्रेजेंट है फोटोसेंथेसिस हो जाएगा अच्छा फोटोसेंथेसिस के दौरान मैंने बोला था स्टार्च को वो स्टोर करके रखता है तो फूड विल बी स्टोर इन दम ऑफ स्टार्च फूड विल बी स्टोर इन दम ऑफ स्टार्च ये जरूर लिख लेना फूड इज स्टोर इन दम ऑफ इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और वो जो स्टार्च के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्टोर्ड है उसको टेक्निकली बोलते हैं पैरा माइलम क्या बोलते हैं पैरा माइलम दिस इज अ न्यू टर्म इसीलिए इसे अच्छे से याद कर लेना पैरा माइलम बोलते हैं ठीक इसके बाद वैक्यूल प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है मैं यहां लिख देती हूं अलग से ये फीचर ठीक है feature, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट और आपको याद आ गया होगा पहली बार वैक्यूल एथ क्लास में पढ़ा था तो उसका फंक्शन भी पढ़ा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इट इज फॉर फॉर ऑस्मो रेग्युलेशन ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन से हमारा क्या मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन से हमारा मतलब है कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर क्योंकि ये पानी में रहने वाला है ना फ्रेश वॉटर है फ्रेश वॉटर ठीक तो ये हमारा यूग्लिना के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है आओ फटाफट से देखते हैं सी नाउ एग्जाम्पलॉइड का युगली है ना प्रीवियसली वर प्लेस्ड इन पहले इन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया उसके बाद क्यों रखा गया फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर रहा था प्लांट्स में रख दिया बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है और इसका ये फीचर न्यूट्रिशन भी एनिमल जैसा है एनिमल लाइक न्यूट्रीशन एनिमल किसी नेंगडम में रख दिया उसके बाद बोथ नाव अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर बोहोत इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा दे आर बोहोत इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा कोई दिक्कत इसमें क्लियर है ये ओके यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है हमने डायग्राम बना लिया है देखो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस है क्लोरोप्लास्ट था पॉलीसैक स्टोर्ड बाय फोटोसिंथेसिस स्टार्च फॉर्म में जो फूड स्टोर है पेरा वो है वो उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फोटो रिसेप्टर फ्लैजुलर बॉडी अलग से है आई स्पॉट यहां पर अलग से है फ्लैजुल दिख रहा है डायग्राम बन गया था ऐसी डायग्राम बनाया था ओके नाउ लिखना है इसमें से कुछ लिख लीजिए ओके देन, उसके बाद अब बात आती है मेजर ग्रुप सॉरी दे आर यूनिसेल्यूलर प्रोटेस्ट नेचर में कैसे होते हैं यूनिसेल्युलर बॉडी फाउंड इन फ्रेश वॉटर हैबिटाट्स एंड डैम्प सॉइल गीली मिट्टी में भी मिल सकते हो फ्रेश वॉटर में तो मिलेंगी, मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छा बहुत फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ऐसा डीप फ्रेश वाटर नहीं जो ऐसे रनिंग फ्रेश वाटर होता है उसमें कहीं कहीं आसपास इकट्ठे हो जाते हैं कही कहीं कहीं आसपास देखने को मिलते हैं देयर सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विथ पेलिकल पेलिकल से कवर्ड रहती है पेलिकल क्या है पेलिकल एक लाइपो प्रोटीन है लिपिड और प्रोटीन की लेयर इट इज इलास्टिक इन नेचर चिपचिपी होती है कैसी होती है चिपचिपी इलास्टिक होती है और प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होने की वजह से आसानी से यह स्लिप भी हो जाता है प्रोटीनेशियस लेयर वो चिपचिपी वाली लेयर प्रेजेंट है आसानी से स्लिप हो जाएगा तो लाइपो प्रोटीन की बनी हुई लेयर है किसकी लाइपो प्रोटीन मैं यहां पे लिख देती हूं लाइपो प्रोटीन के लिए लाइपो मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन तो हमें मालूम ही है प्रोटीन बट मेजर क्वांटिटी प्रोटीन की होती है मेजरली प्रोटीन होता है इसीलिए प्रोटीनेशियस लेयर कहते हैं ठीक है ये हो गया इसके बाद अब आता है दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है हमेशा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन का ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ठीक है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है इट मेंटेन्स मेंटेन्स ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है फिर दो दे आर

भी कर रहा है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहा है ठीक ये मैं बता चुकी होलोफाइटिक एंड होलोजोइक बोथ दी द्यूट्रिश आई टोल्ड यू क्लियर ओके नाउ दे रिजर्व फूड इन पैरा माइलम पैरामाइलम क्या है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च

लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर देते हैं, ठीक फिजन कैसे होता है बाइनरी फिजन के फॉर्म में बाइनरी में दो अलग अलग सेल हो जाते हैं इन फेवरेबल कंडीशन बाय सिस्ट फॉर्मेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो सिस्ट बना लेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या करने लगेगा वापस से ग्रो होने लगेगा ठीक है लिख लिया डन ओके स्ट इज यूगलिना इज कंसिडर्ड एज दिंक जोड़ के रखने वाला लिंक किसके बीच में प्लांट्स के बीच में और एनिमल्स के बीच में यह मैंने आपको बता दिया था क्योंकि कुछ फीचर्स बहुत प्लांट जैसे कुछ एनिमल जैसे देखो क्या क्या फीचर्स है ऐसे याद रखना है प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक तो प्लांट लाइक कैरेक्टर में और एनिमल लाइक कैरेक्टर में क्या क्या था plant जैसा था प्लांट जैसा कि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है ना इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ फोटोसेंथिस करके प्रेजेंस ऑफ एक प्रोटीनेशियस होती है जो एनिमल का फीचर है और सेल्वॉल इसमें नहीं है और पैराफ्लैजुलर बॉडी है तो पैरा फ्लैजुलर बॉडी यानी कि फ्लैजुला प्रेजेंट है और स्टिग्मा प्रेजेंट है आई स्पॉट प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है देन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहा था बार बार लिख लिया करो ऑस्मो औस, रेगुलेशन कर रहा था बार बार रिकॉल किया करो उसके बाद रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से ये हम अभी देख के आए क्लियर That's it. That is all about Euglena. If you want to make this chart, you can make this chart, and then we can start with the next topic. Done? Okay. Now we'll talk about the next thing, which is slime mold. अब हम बात करेंगे slime mold की. तो जब हमने पहली बार देखा था कि कौन-कौन से domains plant uh, sorry protista के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा था Euglena जो था, वो कैसा था? Mixotrophic. ऑटोट्रॉफिक भी करेगा हेट्रोट्रॉफिक भी करेगा इसके पहले हमने देखा था कि बाकी दोनों डीनो और क्राइजो फ्लाजिलेट क्या थे दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक थे और अब स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन दोनों के दोनों हेट्रोट्रॉफिक मिलेंगे राइट तो ये फीचर आप याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं स्लाइम मोल्ड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं स्लाइम मोल्ड आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हेट्रो ट्रॉफिक इन नेचर ठीक इनमें इनकी बॉडी में दो चीजें देखी जाती है दो चीजें देखी जाती हैं और वो दोनों चीजें क्या है एक बात यह है कि जब ये वेजिटेटिव बॉडी होती है इनकी वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट भी शो करते हैं और स्पोर वाला पार्ट भी शो करते हैं यानी कि स्पोर्स भी शो करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट में सेल वॉल नहीं होती वेजिटेटिव पार्ट लैक सेल वॉल। लेकिन स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है स्पोर्स हैव सेल वॉल। ठीक एक्चुअली में इनको बोला जाता है कि इनके पास फंजाई के जैसा कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई के जैसा कैरेक्टरिस्टिक है और अमीबा के जैसा भी है मतलब कि स्लाइम बिटवीन बिटवीन अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा और फंजाई के जैसा तो पहले इसे फंजाई से कंफ्यूज किया जाता था ठीक फिर अलग से किंगडम बना दिया क्यों किया जाता था क्योंकि स्पोर बना लेता है ना इट फॉर्म्स स्पोर इट फॉर्म्स स्पोर एक इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें आपको देखने को मिलता है प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है सीनोसाइटिक प्रोसेस का मतलब होता है एक बार की बात है एक ये स्लाइम मोल्ड था स्लाइम मोल्ड के पास अपना खुद का न्यूक्लियस था ये है क्या फिर बोलोगे मैम डाइग्राम तो दिखाया ही नहीं ये है स्लाइम मोल्ड कैसा भी बना सकते हैं आड़ा टेढ़ा सबसे अच्छा यही बन जाएगा ये है इसका न्यूक्लियस ये है इसका न्यूक्लियस ठीक है अब ये क्या करता है सीनोसाइटिक प्रोसेस करता है यानी कि ओनली डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है और पूरी की पूरी बॉडी वैसी की वैसी है तो जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा और पूरी बॉडी ऐसी की ऐसी है तो ये देखो ये ऐसे होगा ये था अब इसमें दो न्यूक्लियस हो गए ठीक है एक न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियस बना दिए और आगे बढ़ा फिर से और भी न्यूक्लियस थे एक न्यूक्लियस से दो बने थे और इन दोनों ने फिर दो दो बना दिए दो इसने और दो इसने बना दिए इस तरीके से इनकी बॉडी एक्सपैंड होती चली जाती है होती चली जाती है होती चली जाती है, भी शो करती है ना करती है ना तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं दे परफॉर्म सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिकोटिक सैप्रोट्रोफिक बोल देते हैं सैप्रोट्रोफिक बोल देते हैं अपन सैप्रोट्रोफ्स यानी कि ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे ये हमें देखने को मिलेंगे लकड़ी के जो वो फॉरेस्ट वगैरह में लकड़ी के टूटे हुए बड़े बड़े लॉग्स होते थे ना वुडन लॉग्स पर ठीक है कोई और मान लो प्लांट है तो उस पर ग्रो हो जाएंगे तो ये एस, ये ऐसे फैलता है जैसे आग फैलती है एकदम ऐसे ऐसे चलता हुआ ग्रो करता हुआ चला जाता है ऐसे पूरे में फैल जाता है जैसे पानी फैल जाता है ना ऐसे फैल जाता है ठीक है तो सेप्रोट्रोफ रोफ है अब मान लो यहां पर कोई लकड़ी का लॉग रखा था मान लो ऐसा कि कोई लकड़ी का लॉग रखा था इसके आसपास इट इज अ लॉग ऑफ वुड ऐसा मान लो ठीक है ये लॉग है ठीक है है ये वुड तो ये इसके ऊपर से ग्रो कर जाएगा अब ये ग्रो कैसे करेगा जब ये ग्रो करेगा तो ये और ऐसे फैल जाएगा अब अभी पहले ऐसा दिख रहा था ना अब इसी के लॉग के ऊपर से इस तरीके से फैल जाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा जब एक सेल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है यह वो प्लाज्मोडियम है जिसमें सीनोसाइटिक प्रोसेस हुआ यानी कि सिर्फ सेल्स डिवाइड करते चले गए थे अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यह क्या बना लेगा फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा फ्रूटिंग बॉडीज कैसी दिखती है ऐसी दिखती है बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा ऐसे बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगी ठीक है इस तरीके से इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पता है क्या बनेगा इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स समझ ही गए हो गए आप स्पोर्स बना लेगा स्पोर्स बना लेती हैं फ्रूटिंग बॉडीज ठीक है तो ये हो गए स्पोर्स बहुत खास बात बहुत खास बात ये कि यहां पर जो न्यूक्लियस था वो था 2n, ठीक है स्पोर्स के पास जो क्रोमोजो होंगे वो होगा 1n, ठीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब स्पोर्स मिलेंगे ये स्पोर्स जो थे ये निकल आए एक स्पोर ये एक स्पोर ये ये दोनों के दोनों स्पोर्स जो हैं वो क्या करें कंबाइन हो गए कंबाइन होकर वापस से क्या बना लेंगे वापस से ये बना लेंगे इस तरीके का वेजिटेटिव सेल वापस से ये वेजिटेटिव सेल बना लेंगे ठीक है वापस से वेजिटेटिव सेल बन गया क्लियर तो इस स्टेज में ये जो स्पोर्स हैं स्पोर्स के ऊपर आपको लेयर देखने को मिलेगी स्पोर्स के ऊपर आपको लेयर देखने को मिलेगी वो लेयर क्या है वो है सेल वॉल वो लेयर क्या है सेल वॉल की लेयर ये होता है स्लाइम मोल्ड में ठीक ये सारा स्ट्रक्चर स्लाइम मोल्ड में देखा जाता है और इंपॉर्टेंट बात एक ये है इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान से देखना क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेजिटेटिव भी मिल रहा है और स्पोर भी मिल रहा है एक ही में मिल रहा है ना वेजिटेटिव भी मिल रहा है और स्पोर भी मिल रहा है एक ही में सबको क्लियर हो गया ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक आई होप दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर यहां पर मैं वो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूं जो आपको स्पेशली याद रखने जो आपको स्पेशली याद रखने वो वर्ड्स में हाईलाइट कर दे रही हूं ठीक है येल्लो से कर दू वाइट से कर देती हूं ग्रीन से कर देती हूं ठीक है क्या क्या याद रखना है सेप्रोट्रॉफिक है सेप्रोट्रॉफिक याद रख लोगे, उसके बाद लैक सेल वॉल इट लैक सेल वॉल उसके बाद स्पोर्स बनते हैं इसमें सीनोसाइटिक प्रोसेस देखने को मिलती है यानी कि सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और फिर है प्लाज्मोडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है प्लाज्मोडियम को तो याद रखना ही है प्लाज्मोडियम को भूलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है बन क्यों नहीं रहा है? ये हो गया प्लाज्मोडियम ठीक ये हो गया हमारा आ, क्या बोलते हैं पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा ये सिंगेमी हो जाएगी सॉरी ये क्या हो जाएगी सिंगेमी हो जाएगी जब दो, दो स्पोर्स आपस में मिल जाएंगे तो सिंग हो जाएगी दोनों स्पोर्स आपस में मिलकर पूरा एक फॉर्म कर लेंगे ये है ना और यहाँ पर सिंगल एन था वन एन था लिख लीजिए इसको that's it, इतना ही पढ़ना है लिख लिया सबने लिख लिया वेरी नाइस गुड अब देखो स्लाइमी मास स्लाइमी मास फैलता जाता है ये पता है कैसे फैलता है ये ऐसे फैलता है कि अगर ये कोई वुडन लॉग है ठीक है तो इसके ऊपर ये स्लाइम मोल्ड कैसे चलती है पता है पहले इतनी रहेगी फिर और फैलेगी तो ये इतनी रहेगी ऐसे 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 करके फैलती जाती है ऐसे ऐसे फैलती जाती है और इसके ये न्यूक्लियस बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं तो ये हमारा वाइट वाला क्या है वुडन लॉग व्हाइट वाला हमारा क्या है वुडन लॉग है और वुडन लॉग के ऊपर ये येलो वाला हमारा क्या फैला है स्लाइम मोल्ड फैला है और स्लाइम मोल्ड जो है वो ये वाला कौन सा है प्लाज्मोडियम है क्यों प्लाज्मोडियम है क्योंकि ये क्या कर रहा है सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है करता जा रहा है अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस बन गए मल्टी न्यूक्लियट दिखने लगा ठीक है तो ये हो गया अब मास एट दाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेस देर फोर दे आर कॉल्ड स्लाइम मोल्स इसलिए इनको स्लाइमोल्स कहते हैं क्योंकि स्लाइंग की तरह दिखते हैं स्लाइमोल्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट सैप्रोफाइटिक मैं आपको बता चुकी हूं जो डेड और डिकेइंग पर फीड करेंगे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर डेड और डिकेंग मैटर पर फीड कर रहे ठीक नेक्स्ट अच्छा इसको लिखना है लिख लो लिख लिया देखो यहाँ स्लाइम मोल्ड ये येलो येलो जो दिख रही है पूरी स्लाइम मोल्ड फैली हुई है ठीक इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है बॉडी मूव अलोंग डेइंग ट्विकीवस जो खराब डिकेइंग ट्विक्स एंड लीव होती है उसकी अराउंड बॉडी ग्रो करने लगती है देखो ना यहाँ पे ग्रो कराइए ना ये ऐसे बॉडी ग्रो होने लगेगी ठीक इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल अंडर स्यूटेबल कंडीशन टू फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन बना ले रहे हैं प्लाज्मोडियम पहले एक न्यूक्लियस का था अब उसको फैलना है बड़ा होना है तो वह बहुत सारे न्यूक्लियस बना के आगे बढ़ती चली जाएगी और कवर करती जाएगी जो भी ऑर्गेनिक खराब डिकिंग मैटर होगा उसको एंड मे ग्रेडेंस मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट और ऐसे ग्रो होते होते कई फीट दूर तक चली जाती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज आर लेटर गोइंग टू लेटर गोइंग टू फॉर्म स्पोर्स स्पोर्स की खास बात हैव

फ्रूटिंग बॉडीज थी फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर निकले फिर वो स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट होंगे स्पोर्स जो हैं वो क्या होंगे जर्मिनेट होते होने लगते हैं जर्मिनेटिंग स्पोर्स जैसे ही स्पोर्स जर्मिनेट होंगे सिंगेमी कर लेंगे सिंगेमी कर लेंगे वापस से स्लाइम मोल्ड बन जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल होता है इससे पहले रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च था पेरामाइलम के फॉर्म में तो यहां पर क्या है ग्लाइकोजन और ऑयल। ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये दो टाइप के होते हैं ए सेल्युलर भी हो सकता है और सेल्युलर भी हो सकता है ए सेल्यूलर भी हो सकता है और सेल्युलर भी हो सकता है दो टाइप के होते हैं डन लिख लिया ओके okay. शन था जहां पर स्पोर्स ने स्पोर्स ने क्या कर ली स्पोर्स ने सिंगेमी कर ली वो क्या बना दिया उनने? उनने बना दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पर दिख रहा है और फिर बना देंगे प्लाज्मोडियम वापस से तो मतलब एक, एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फिर बहुत सारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फिर फ्रूटिंग बॉडीज इसका अगर मैं आपको वो दिखाऊंगी क्या कैसे कैसे ग्रो करा तो पहले देखो वन वन सेल न्यूक्लियस की बॉडी थी वन न्यूक्लियस की बॉडी थी उसके बाद चले तो मैनी न्यूक्लियस वर वरफॉर्म्ड मैनी न्यूक्लियस वर वरफॉर्म्ड उस बॉडी को बोला था प्लाज्मोडियम और उसके बाद अचानक से मौसम खराब होने की वजह से हमें खेद है कि मौसम खराब है यानी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में बनती हैं फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज जिसको नहीं याद हो रहा वो ऐसे टेबल बना के भी ऐसे फ्लोर चार्ट बना के भी याद कर सकते हैं फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी स्पोर्स स्पोर्स के पास है सेल वॉल और स्पोर्स के पास टू एन नंबर ऑफ या सॉरी वन एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहां न्यूक्लियस के पास था टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्पोर्स जो है वो आपस में सिंगेमी कर लेंगे क्या कर लेंगे सिंगेमी मिल जाएंगे दो स्पोर्स और फिर दोनों स्पोर मिलकर के क्या बना देंगे एक नया बॉडी बनाएंगे वन न्यूक्लियस की बॉडी वन न्यूक्लियस वाली बॉडी हम किसकी बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं आई होप दैट डजन मेक एनी कंफ्यूजन यहां पर भी टू एन क्लियर ये फ्लो चार्ट बना के भी याद रख सकते हो हो गया अब नेक्स्ट ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स

कमिंग डाउन टू प्लांट का फीचर क्या था प्लांट के फीचर में रिप्रोडक्टिव फेज इज प्लांट लाइक मतलब रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो वो प्लांट जैसा हो रहा है तो इसमें क्या है प्लांट जैसा स्पोर्स बन रहे हैं ना भाई स्पोर्स बन रहे हैं वो प्लांट जैसा काम कर देंगे ठीक तो एज दी स्पोर्स सेल वॉल ऑफ स्पोर्सोज तो स्पोर्स के अराउंड क्या प्रेजेंट प्रेजेंट है cell wall है सेल सेल वॉल वॉल और ये cell wall किस चीज की बनी हुई है cellulose की बनी हुई सेल वॉल है जैसे कि प्लांट्स में पाया जाता है तो ये दोनों फीचर्स हो गए हमारे स्लाइम मोल्ड के ठीक नेक्स्ट है कि प्रोटोजोन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है स्लाइम मोल्ड कंप्लीट यूगलीना कंप्लीट यानी कि हम मेन डोमेन कंप्लीट कर चुके हैं आखिरी डोमेन पर पहुंचे आखिरी डोमेन है प्रोटोजोन प्रोटोजोन में हमें फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है प्रोटोजोन में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है कौन कौन सा पढ़ना है अमीबॉइड पढ़ना है फ्लैजिलेटेड पढ़ना है सीलिएटेड पढ़ना है प्रोटोजोन और प्रोटोजोन तो प्रोटोजोन्स तो प्रो एक्चुअली में नेचर वाइज होते हैं ये तो हम देख चुके ना जैसे मोल्ड हेट्रोट्रॉफ होता था ऐसे ही प्रोटोजोन भी लास्ट वाला ग्रुप कैसा था हेट्रोट्रॉफ ये मैंने टेबल में बताया था प्रीवियस सेशन में नहीं देखा है वापस जाके देखने की जरूरत है वहीं से समझ आएगा आधा तो हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रीशन शो करते हैं ठीक है इसके बाद ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं पैरासाइट कौन होता है जो एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहता है और वहां रहकर अपना फूड और शेल्टर ऑप्टेन करता है दैट इज अ पैरासाइट ऑल प्रोटोजोन्स आर प्रोटोजो एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट ठीक है मालूम है हमको ये ये वाली बात तो क्लियर है इसके बाद दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल्स के रिश्तेदार हैं क्या माना जाता है एनिमल्स के रिश्तेदार हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमल लाइक फीचर्स मिलते हैं अभी बताएंगे फोर मेजर ग्रुप्स हमें पढ़ना है फोर मेजर ग्रुप्स हमें पढ़ना है अमीबॉइड प्रोटोजोअन सीलिएटेड प्रोटोजोअन ये फ्लैजिलेटेड आ गया सीलिएटेड प्रोटोजोअन और स्पोरोजोअन ये चार ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन अमीबॉइड प्रोटोजोन जो अमीबिक डिसेंट्री कराएंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन लोकोमोशन के लिए हमेशा से हमें पता है कि सीडोपोडिया होता है सीडोपोडिया क्या होते हैं सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोड का मतलब होता है लिम तो फॉल्स लिम प्रेजेंट होते हैं फॉल्स लिम से ही अपना खाना जो है उसको कैप्चर कर लेगा अगर यहाँ खाना रखा है अगर यहाँ खाना रखा है तो ये सीडोपोडिया आसपास बना के उसे कैप्चर कर लेगा ठीक कहाँ रहते हैं हैबिटेट क्या है इनका फ्रेश वाटर में सी वाटर में मरीन वाटर में मॉइस सॉइल में जहां पर भी पानी मिलेगा वहां रह जाएंगे पानी होना चाहिए उसके बाद फूड कैप्चर कैसे करते हैं सीडोपोडिया बनाकर प्रेस कैप्चर्ड बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया बना लेते थे जैसे कि अगर यहाँ पर खाना रखा है अमीबा हमारा यहाँ पर बैठा हुआ था तो ये क्या करेगा खाने के पास जाएगा ठीक है ये खाने के पास जाएगा खाने के पास ये कैसे जाएगा कि अगर यहाँ खाना रखा है तो ये ऐसे सीडोपोडिया बना लेगा ऐसे सीडोपोडिया बना लेगा यहाँ न्यूक्लियस है तो ये दोनों क्या है ये है सीडोपोडिया बचपन से पढ़ते आ रहे ठीक है ये बचपन से पढ़ा है सीडोपोडिया खाने को एनगल्फ कर लेगा फिर एक वैक्यूल फॉर्म कर लेगा वो वैक्यूल फूड को लेकर बॉडी के अंदर बैठ जाएगा उसको करेगा डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय निकाल के बॉडी में फेंक देगा वैक्यूल जो सेलवॉल है उसके थ्रू बॉडी से बाहर धक्का पड़ जाएगा उसको बाहर चला जाएगा हो गया अमीबा का डाइजेशन मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन सरफेस जो मरीन में रहते हैं उनके पास सिलिका का शेल होता है सिलिका की कवरिंग होती है एग्जाम्पल क्या है अमीबा एंटमीबा एक्टस पैरासाइड ये एंटमीबा ही है वो वो एंटमीबा भाई साहब है जो पेट में दर्द करा रहे हैं एंटमीबा कॉजेज अमीबिक डिस अमीबिक डिसेंट्री गंदा खाना खाने से गंदा पानी पीने से वो जो डिसेंट्री हो जाती है इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है अमीबा की और वो पूरे इंटेस्टाइन में अमीबा 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 भर जाएगा और वो क्या करेगा अमीबिक डिसेंट्री कराएगा आपका डाइजेशन हैम्पर करेगा डाइजेशन को प्रॉब्लम पहुंचाएगा लूज मोशंस होने लगेंगे कुछ केस में वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं तो ये हो गई अमीबिक डिसेंट्री जो कौन कराता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलेटिका ठीक तो ये हो गया हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में लिख लीजिए सबको अमीबा का स्ट्रक्चर पता है ना फूड वैक्यूल बनाता है सीडोपोडिया बनाता है फूड वैक्यूल बनाता है बनाता है। यहाँ पर आपको सेल में सब कुछ दिखेगा कॉन्ट्रेक्टाइल दिखेगा जाना है मूव कैसे करता है खाना कैसे खाता है एग्जाम्पल क्या है बस थिंग्स क्लियर ये चारों बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन

तो पैरासाइट की कैटेगरी अब मिलने लगी हमें प्रोटोजुअन में जब हम प्रोटिस्टा खत्म करने वाले हैं, अभी तक वाटर 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 चला आ रहा था कभी मरीन वाटर कभी वाटर, कभी सॉल्ट वाटर, कोई सा वाटर, कभी डैम्प कभी कहीं का वाटर, हमेशा पानी में रहते थे अब पैरासाइट मिलने लगे इसके बाद पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस कॉज करा देते हैं यानी कि ट्राइपेसोमा ट्राईपेनोसोमा ट्राइपेनोसोमा को कौन लेकर आता है बताया था मैंने ये सीसी फ्लाई लेकर आती है ट्राइपेनोसोमा को और स्लीपिंग करा देती है एग्जाम्पल में हाँ यहाँ लिखा है ट्राइपोसोमा है ट्राइपेनोसोमा try, uh, है ट्राइपेनोसोमा लेशमेनिया जियार्डिया, जियार्डिया, जी करा देती है लेशमेनिया कालाजर ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस ठीक ये हो गया हमारा क्या टे अब सीलिएटेड प्रोटोजोवन में सीलिया प्रेजेंट होगा तो सीलिएटेड प्रोटोजोवन में सीलिया लोकोमोशन के लिए और कॉर्डिनेशन के लिए जरूरी है तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया वाटर लेडन विध फूड टू बी स्टीड इन टू गलेटिटी दैट ओपन आउटसाइड दी सेल स्ट्रक्चर मतलब ये सीलिया क्या कर रहे हैं सीलिया मूव कर करके मूव कर करके कर कर खाना भी अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं मूव तो कर ही रहे हैं लोकोमोशन तो कर ही रहे हैं मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह तो हेल्प करेंगे लेकिन खाना भी अपने अंदर डाल लेंगे सीलिया खाने को भी अपने अंदर मुंह में डाल लेगा ठीक उसके बाद हैबिटेट कहां रहते हैं हैबिटेट क्या है इनका हैबिट और हैबिटेट एक्वेटिक है फ्री लिविंग है पैरासाइटिक है और कमेंसल है कैसे हैं वाटर में रहने वाले हैं ठीक फूड कैप्चर कैसे करते हैं गलेक्ट विद द आउटर सिस्टोम साइटोसोम साइटोसोम क्या होता है उनका माउथ साइटोस्टोम ओपनिंग फॉर फूड इंजेशन वाइल साइटो साइटोपाइज फॉर इजेशन यानी कि अलग से इसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अलग से इसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक माउथ की तरह एक्ट करेगा एक एनस की तरह एक्ट करेगा एक जो साइटोस्टोम है वो मुंह की तरह एक्ट करेगा खाना इंजेस्ट करने के लिए एक्सक्रीशन के लिए यूज हो जाएगा साइटो साइटोपेज फॉर इजेशन ठीक फूड डाइजेशन इन वैक्यू फूड वैक्यूल फ्री लिविंग फॉर्म्स में फूड वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन होगा जैसे कि अमीबा में हो रहा था पर डिफरेंस ये है कि अमीबा में क्या होता था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो सेल वॉल के थ्रू मतलब कि ये अमीबा था ठीक है यहाँ पर न्यूक्लियस है ये हमारा मान लो वैक्यूल था तो वैक्यूल को अब अपना ये जो अंदर का अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बाहर निकालना है तो ये पता है कैसे बाहर निकाल लेता था यहां से सेल वॉल ब्रेक हो जाती थी

डाइजेशन इन फूड वैक्यूल इन फ्री लिविंग फॉर्म्स एग्जाम्पल कौन है एग्जाम्पल है पैरामीशियम और अपलिना पैरामीशियम जो वो स्लिपर शेप का दिखता था पैरामीशियम जो स्लिपर शेप का दिखता था इस तरीके से इसकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट है ऐसे सीलिया प्रेजेंट है पूरी बॉडी में माउथ की तरह कौन सा पार्ट एक्ट करेगा तो माउथ की तरह एक्ट करने वाला यहां से ये वाला पार्ट है ये क्या बनाया मैंने पैरामीशियम पैरामीशियम। हाँ न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है न्यूक्लियस वगैरह सब प्रेजेंट है सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है ठीक है वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट है पैरामीशियम ठीक तो ये हो गया हमारा किसके बारे में सीलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में लिख लीजिए लिख लिया तो इसमें भी हमने सिर्फ तीन चार चीजें पढ़ी हैं लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट है खाना सीलिया ही बॉडी के अंदर डालेगा इसके पास माउथ और एनस जैसे अलग से ओपनिंग प्रेजेंट है माउथ वाली ओपनिंग कहलाती है साइटोस्टोम और जो एनस वाली ओपनिंग होगी जो इजेशन करा देगी वो कहलाती है साइटोपेज ठीक कैसा है पानी में है, aquatic, अलग से रहा है, और, और, और कमेंसल का मतलब भी होता है कि बॉडी के अंदर जाके रह रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की और वहां से अपना खाना वगैरह शेल्टर ऑप्टेन कर रहा है कमेंसल और पैरासाइट दोनों सेम चीज ठीक है, है तो ये हो गया हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोवन के बारे में एग्जाम्पल है पैरामीशियम डायग्राम है ये ठीक नेक्स्ट अब हम बात करेंगे sporozones. Sporozones जो होते हैं इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता नो ऑर्गन फॉर लोकोमोशन नो ऑर्गन फॉर लोकोमोशन चलने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास देखो ना तो सीलिया दिख रहा है ना फ्लैजला दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा बॉडी ऐसे पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो हैबिट habit और हैबिटेट क्या होता है सारे के सारे पैरासाइट होते हैं मोस्टली इंट्रा सेल्युलर पैरासाइट होते हैं दूस एक सेल जो है उसके अंदर रहेंगे एक सेल के अंदर रहेंगे ये पैरासाइट्स तो इंट्रा होते हैं दे हैव इंफेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस मोनो प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस अपने पास इंफेक्शन कॉज कराने वाले स्पोर्स रखते हैं बस इतना ही पढ़ना है हमको इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जहां पर भी जितनी भी बातें जरूरी थी जहां पर भी जो भी डायग्राम रिक्वायर्ड था वो मैंने सारा का सारा आपको आज के सेशन में बता दिया है इन रिगार्ड्स टू प्रोटेस्टा नेक्स्ट सेशन में हम फंजाई के बारे में बात करेंगे बट ट्रस्ट मी देखो जब हमने शुरू में जब हमने शुरू में वो पढ़ा था मोनेरा ठीक है अगर मैं बात करूं कि हमने मोनेरा पढ़ लिया था तो हमारे पास हमें पांच किंगडम इस साल पढ़ने हैं ना मोनेरा पढ़ना था प्रोटेस्टा पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया है फंजाए पढ़ना था प्लांटे पढ़ना था एनिमेलिया तो भाई ये जो प्लांटे और एनिमेलिया है ये तो एक एक पूरे पूरे सेपरेट चैप्टर्स हैं बचे ये तीनों ये तीनों ही एक साथ दिए हुए जिसमें से अगर मैं इसको क्लासिफाई कर दू ना तो ये सबसे सिंपल है इसमें कुछ भी याद नहीं रखना इसके बाद प्रोटेस्टा में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्यों आती है क्योंकि इसमें यू आ जाता है ना ऊपर क्या थे प्रो थे ऊपर क्या थे प्रो थे तो यहां तक तो तुम इजीली लर्न रख सकते हो प्रॉब्लम तुम्हें यहां से आना शुरू होगी इसीलिए इसका की फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए बार बार रिविजन करना होगा बार बार रिविजन करना होगा ट्रस्ट मी सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट अगर वाकई में अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है बायोलॉजी पूरा का पूरा फिफ्टी परसेंट पेपर है अगर वाकई में अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो ये ही वो टाइम है जहां से हमें रिवाइज़ करना चालू कर देना चाहिए इससे पहले का आपको याद रहेगा मैं मानती हूं प्रोटेस्टा से आपको दिक्कत आना चालू होगी तो प्रोटेस्टा ही बैठा देता है मैंने बहुत बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में विजुअलाइज करा के पढ़ाने की पूरी जान लगाई है लेकिन आपको क्या करना है आपको रिवाइज करना है जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रख पाओगे और फिर क्वेश्चंस में लेके ले आती हूँ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ठीक है अभी क्या करना है वीडियोस को वापस से देखते रहो टॉपिक वाइज वीडियोस को वापस से देखो वापस से प्रोटेस्टा 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 दो तो हैं कितनी बार देखना है ठीक है तो दो तीन बार देख लो फिर अपन बात करेंगे फंजाई को लेके ठीक है यहां से कॉम्प्लेक्सिटी चालू हुई है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स चलेगा है ना पूरा का पूरा कैसा चलेगा कॉम्प्लेक्स चलेगा तो हमें अभी क्या करना है हमें यहां से बिल्कुल ही ढील नहीं देनी है ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया समझ में आ गया हो गया खत्म एक बार देखने पे समझ में आया होगा और थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा पूरा याद करने के लिए तीन बार कम से कम देख लेना ठीक है स्पीड तेज करके देख लेना पर देखना जरूरी है जितना ज्यादा देखोगे जितना ज्यादा याद रखोगे उतना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लियर कैसे देखोगे सीक्वेंस में सारे वीडियोज कैसे मिल जाएंगे सीक्वेंस में सारे वीडियो हमको मिलेंगे यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट क्या है डब्ल्यू उस पर जाओ उसको विजिट करो वहां पर देखोगे तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखा है उसमें जा करके नीट सेलेक्ट करो नीट सेलेक्ट करके बायोलॉजी सिलेक्ट करो बायोलॉजी पे नाउ क्लिक करो एक पेज ओपन होगा यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या क्या है और यहाँ लिखा है वॉट वाइज वीडियोज तो यहाँ सीक्वेंस में वाइज वीडियोज मिल जाएंगे बार बार जाके टॉपिक रिवाइज करो मैं हमेशा हर लेक्चर में यही बोलती हूँ बार बार जा करके अपना टॉपिक रिवाइज करते रहो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया एक बार विजुअलाइज हो गया काम खत्म नहीं बार बार पढ़ना है मैं ये नहीं कह रही कॉपी लेके अपनी बैठ जाओ उसी से रिवीजन करते रहो अरे तुम्हारे पास पूरा का पूरा घर में बैठ के सारा आराम है तुमको सारी चीजें मिल रही हैं बार बार तुमको वो वीडियो देखने को मिल रहा है बार बार तुम्हें वो डायग्राम बनाती हुई दिख रही हूँ बार बार मैं तुम्हें वो समझाती हुई दिख रही हूँ सिर्फ बैठ के देखना ही है ना अपने लिए इतना करो ठीक उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से प्ले होने लगेगा और आपको क्या करना है बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना लाइक जरूर कर देना वीडियो को सब चीजें समझ में आ गई हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है किसी भी दिन लाइव सेशन में आपका डाउट यहाँ पर होगा और शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ आपको सिर्फ इतना ही करना है बाकी सब हम कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन की टीम आपको हंड्रेड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है फॉर द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ ऑल टाइम्स लाइक नीट ठीक है तो हमें क्या करना है ऑनलाइन एजुकेशन है घर में बैठो बढ़िया मजे से पढ़ाई करो एग्जाम क्रैक करना है तो बस यही तीन चीज आपकी तरफ से चाहिए तुम अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेहनत करने में मजा आता है ठीक है मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड कीप स्टडी